धर्मात्मा राम पुण्य आत्मा लक्ष्मण तुम्हारे पूर्वज ऐसे ऐसे हो चुके हैं जिन्होंने धर्म की खातिर अपना सब कुछ निछावर कर दिया। शिव ददीश हरिश्चंद्र नरेशा सहे धर्म हित कोट कलेसा रंति देव बल भूख सुजाना धर्म धरे सही संकट नाना जिन्होंने धर्म की खातिर अपना सब कुछ बेच दी सब कुछ बेच दिया लेकिन धर्म को नहीं जाने दिया। राम लक्ष्मण मैं देख रहा हूं संध्या का समय हो गया है संध्या करने का समय हो गया है जाओ दोनों भाई मिलकर संध्या वंदन करो मैं भी संध्या वंदन करता हूं। विगत दिवस गुरु आयत पाई संध्या करने चले तू भाई। बंधु परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा हम दोनों भाइयों को आदेश मिला है कि राम जाकर के संध्या वंदन करो। ये समस्त जन समुदाय सोच रहा होगा कि नित्य प्रति हमें गुरुदेव का आदेश मिलता होगा तभी हम संध्या वंदन करते हैं, ऐसा नहीं है। आज हमारे गुरुदेव ने हमें आदेश क्यों दिया कर भोजन मुनिवर विज्ञानी कहने लगे कछु कथा पुरानी। हमारे गुरुदेव जब भोजन प्राप्त कर चुके तो वो हमारी पूर्वजों की सुंदर कथा कहने लगे और कथा कहते कहते पता ही नहीं चला कब कब सायंकालीन हो गया कब सायंकालीन हो गया। इधर हमारे गुरुदेव ने विचार किया कि दोनों बंधु हमारी कथाओं में लीन हो चुके हैं कहीं ऐसा ना हो कि नित्य नियम से वंचित हो जाएं। तब उन्होंने आदेश दिया कि जाओ राम और लक्ष्मण जाकर के संध्या वंदन करो। मैं एक बात और बता दूं संध्या करने से हमें लाभ क्या है और संध्या कई प्रकार की मानी गई है। संध्या तीन प्रकार की मानी गई प्रातकालीन मध्यकालीन और सायंकालीन। हमें लाभ जो प्राणी प्रातकालीन की वंदना करता है उसके जो भी अनजाने में पाप हो जाते हैं वह प्रातकालीन वंदना से नष्ट हो जाते हैं और जो प्राणी मध्यकालीन की वंदना करता है उसके जो भी पाप हो जाते हैं वह मध्यकालीन वंदना से नष्ट हो जाते हैं और जो प्राणी सायंकालीन की वंदना करता है जो दिन और रात्रि में अनजाने में पाप हो जाते हैं वह सायंकालीन वंदना से नष्ट हो जाते हैं। अब विचार किया जाए इन तीन कालों में पूजन किसका किया जाए आराधन किसका किया जाए। जो जिसको पूजता है जो जिसको मानता है जो जिसका आराध्य है इन तीन कालों में उसी का वंदन किया जाता है उसी का पूजन और अर्चन किया जाता है। आज हमें आदेश मिला है कि जाओ राम और लक्ष्मण जाकर के संध्या वंदन करो तो क्यों ना हमारे आराध्य है भगवान भोलेनाथ चंद सत श्रद्धा के सुमन उनके श्री चरणों में समर्पित। लक्ष्मण धानी धानी भोला नाथी अब कौड़ी नहीं खजानी धानी धानी भोला अब कौड़ी नहीं खजानी में तीन लोग
बस तीर में बचाए हो पर आप बस भी रानी में ना कोई का घर आंगन शमशान में रही अंगी भभूति तन पिरमाए सोहरा खुश रहते जय हो भगवान भोलेनाथ के चरणों में सस्तवार नमन आओ लक्ष्मण माँ का आराधन करें ये संध्या का समय है या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपे संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपे संस्थिता नमतस्यै नमो नमः आराधन करते हैं श्रद्धा के सुमन अर्पण करते हैं माँ के चरणों में ये माँ को मनाओ मन ध्यान लगाओ कर सुमन चढ़ाओ मैया जो भक्त माँ की शरण में जाता है श्रद्धा रूपी सुमन अर्पण करता है तो माँ करती क्या है माँ को मनाऊ मन ध्यान लगाऊ कर सुमन चढ़ाऊ मैया माँ करती क्या करती मेहरबानिया करती करती मेहरबानी करती सागर से पार हो जाएगी वो पार लगाती है सच्ची राह दिखाती है वो पार लगाती है बिगड़ी सबको बनाती है जो शरण में आता है अर्पण हाँ अर्पण मेरी जिंदगी
सुमन चढ़ाता है वो फल को पाता है वो सुमन चढ़ाता है वो फल को पाता है। सुनो अर्जी हमारी आए शरण तिहारी, सुनो अर्जी हमारी आए शरण तिहारी, ये अर्पण अर्पण मेरी जिंदगी का मात्र बनाओ, मन ध्यान लगाओ कर सुमन चढ़ाओ माँ के चरणों में सस्त द्वार में बनो, तुम भी प्रणाम करो लक्ष्मी। आदेश पर आदेश दिए जा रहे हैं। पूज्य गुरुदेव के द्वारा दोनों भाइयों को आदेश दिया गया। संध्या का सुंदर समय हो गया। भैया के द्वारा बतलाया गया संध्या कहते किसे है। दो पक्षों के मिलन की बेला को जैसे कि सूर्य का गमन और रात्रि का आगमन, इन दोनों का परस्पर में हो रहा है मिलन, इसी बीच को संध्या कहा गया। हेलो, और इसी क्रम में ये 50 रुपए का पुरस्कार भैया माधव प्रसाद अहिरवार और 20 रुपए का पुरस्कार राम सेवक टेलर मास्टर साहब की ओर से राम जी एवं लक्ष्मण जी के सुंदर अभिनय पर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पूज्य गुरुदेव के द्वारा आदेशित किया गया बतला गया है नित्यम शुद्धम निराभासम निराकार निरंजनम नित्य बोधो चिदानंदम गुरु ब्रह्म नमामि। मार्ग सामने दिखाई देने पर अहंकार से ओतप्रोत साधना मनुष्य को पतन के गर्द की ओर ले जाता है, लेकिन जब यही साधना श्री गुरुदेव जी के द्वारा अनुमोदित हो जाती है तो वह सत्य के साक्षात का स्वरूप बन जाता है। बतला गया चिंतामणि हमें लौकिक प्रदान कर सकती है, कल वृक्ष हमें स्वर्ग की संपत्ति प्रदान कर सकता है, लेकिन जब श्री गुरुदेव जी अति ही प्रसन्न होते हैं तो ये दुर्लभ भगवान का सामीप्य प्राप्त होता है। संध्या या साधना वह साधन है जिसको पाकर साधक साध की निकटता को प्राप्त कर सकता है, और ऐसे समय को पाकर जिसने अपना परलोक नहीं सवारा, जिसने अपना परलोक नहीं बनाया, उसकी क्या स्थिति होती है। सो परिद दुख पावई सिर धुन धुन पछताए काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। जब नाना प्रकार के कष्ट भोगने लगता है प्राणी तो वो कभी काल को कभी कर्म को कभी ईश्वर को मिथ्या दोष लगाता है, लेकिन ध्यान ले जाना चाहिए हमें अपने कर्मों की ओर, क्योंकि बतलाया गया कर्म प्रधान विश्व करी राखा जो जस कर रही सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान है, व्यक्ति जो भी जैसा करता है उसे वैसा फल प्राप्त होता है। बतलाया गया भैया के द्वारा संध्या के समय वंदना किसकी करनी चाहिए, तो संध्या के समय हमें अपने इष्ट की वंदना करनी चाहिए, और हमारे इष्ट हमारे आराध्य भैया श्री राम है, तो इनके चरणों में प्रणाम करते हुए मां संध्या की वंदना करते हैं। आदरणीय भैया के चरणों में लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार। लोकाभिराम रणरंग गोधी राजीव नेत्र रघुवंशनाथ कारुण्य रूपम करुणाकरंत श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। बैठा हुआ जन समुदाय संध्या का ये सुंदर समय हो गया,
और संत महात्मा भी संध्या के लिए आ गए हैं। यहाँ जितना भी जन समुदाय बैठा है एक बार बड़े ही उत्सव में जयघोष करे, बोलिए प्रभु रामचंद्र की, बोलिए संध्या मैया की जय हो। हे माँ, हे देवी, तेरा आगमन कल्याण दा सबके लिए, हे संधि का सुंदर रमन अरु मोक्ष दा सबके लिए, आते ही तेरे खुल गए सब योगियों के ध्यान है, हे संधि देवी संधि मैया तुम्हारे हेतु प्रणाम है। हे माँ, अब बंदन करूं मैं मैया, अभिनंदन करूं मैं मैया, माँ का नाम जो भी सुमरता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। माँ का नाम जो भी ले मैया, हमें आपका स्वरूप दिखाई नहीं दे रहा फिर भी माँ शब्द को लेकर हम आपकी वंदना करते हैं। मैया की चुनरी माला लाल रे, मैया लुटाती धन सर्वभूतेषु सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमः। मैया की चुनरी माला लाल रे, मैया लुटाती धन कामले तुम्हारा, देवी पूज पद कामले तुम्हारा, सुनन सब हेलो। और इसी क्रम में ये 100 रुपए का पुरस्कार हमारे परम पूजनीय यज्ञाचार्य जी पंडित श्री अनुज कृष्ण शास्त्री जी घोरैया वालों की ओर से राम जी एवं लक्ष्मण जी के सुंदर अभिनय पर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, चरण वंदन आदरणीय आचार्य जी का। माँ का नाम जो भी ले हो, मैया की चुनरी है लाल रे, मैया लुटाती धन करूं हाँ मैया, अभिनंदन करूं तेरा मैया, माँ का नाम जो भी ले, मैया की चुनरी माला लाल रे, मैया लुटाती धन मैया की चुनरी माला लाल रे, मैया लुटाती धन जिसी सशिव है सुहावा, सिए मुख सरसी देखे सुख पार, बहुर विचार कीन मन माही, सिए वदन सम हिम करना है। हमारी दृष्टि आकाश की ओर जा रही तो मैं देख रहा हूं मानो चंद्रमा सीता से अपनी समता करना चाहता हूं। अपने हृदय में विचार करता हूं ये चंद्रमा कि मैं सीता से अति सुंदर हूं, मैं सीता से गुणवान हूं, मैं सीता से रूपवान हूं। क्या ये चंद्रमा सीता से अपनी समता कर सकता है? क्या ये चंद्रमा सीता के बराबर है? कदापि नहीं। क्यों? जन्म सिंधु पुण्य बंद विष दिन मलिन सकलंक, सिय मुख समता पाव किम चंद्र बाबरो रंग। इसका तो खारे समुद्र में जन्म हुआ और उसी समुद्र से जन्म होने के कारण विष इसका भाई, दिन में निस्तेज ये मलहीन
बेवारा गरीब चंद्रमा सीता से समता क्या करेगा। लक्ष्मण हेलो, और ये 50 रुपए का पुरस्कार श्री कमलेश कुमार पांचाल उत्तर प्रदेश पुलिस राम जी, ये हम लक्ष्मण जी की सुंदर अभिनय पर देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों और घटेगी बाटेगी पीरी है दुखी दा चंद्रमा, मैं ये दोष है घटने और बढ़ने का, चंद्रमा कभी एक सा नहीं रहता है, चंद्रमा घटता है और बढ़ता है, घटना की बढ़ागी फिर जैसे ही मां गंगा में अपना कमंडल डुबाया, मां गंगा प्रकट हो गई और कहा गौतम ऋषि अर्धरात्रि के समय तुम हमारे समीप, तो कहा मां ये तो प्रातकालीन हो चुका, मुर्गा ने आवाज लगाई मैं आपके नित्य भात की समय दर्शन करने के लिए आया हूं, तो मां गंगा ने कहा लौट जाओ गौतम अपने आश्रम में, तुम्हारे आश्रम में बहुत बड़ा छल हो रहा। लौट करके आए तो देखा मुर्गा बना चंद्र और गौतम बना इंद्र, श्राप दे दिया चंद्रमा को ये श्राप दे। इतना ही नहीं ये क्षय रोग का रोगी है, दक्ष प्रजापत का भी श्राप से लगा है। इतना ही नहीं गुरु बृहस्पति जी के यहां जाकर भी गुरु माता के साथ इसने छल किया।
ये बहुत बड़ा दोषी है लक्ष्मण, इसलिए कहना है इससे क्या। और अपने मन में देखो और क्षमता कभी न करना सीता से। अर्जुन अपने मन में चंदा देखो और क्षमता कभी न करना। क्यों क्षमता ना कर पाएगा, क्षमता ना कर पाएगा, क्षमता ना कर पाएगा, क्षमता ना कर पाएगा। अपने बराबर चंदा देखो और क्षमता कभी न करना। अपने बराबर चंदा देखो और क्षमता कभी न करना, क्षमता ना कर रुपए का पुरस्कार पुनः परम पूजनीय पंडित श्री अनुज कुमार शास्त्री जी यज्ञाचार्य जी महोदय जी के द्वारा राम जी के सुंदर अभिनय पर आए हैं। आदरणीय पंडित जी के हार्दिक हार्दिक धन्यवाद, चरण वंदन, हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। इसके ऊपर शास्त्री की कृपा है तभी एक टका है, नहीं तो समाप्त हो गया होता चंद्र। तो कहना है इससे, लेकिन सपनों में भी आकर जागृत की बात नहीं, आए चंद्र सपन में भी कभी ये मत सोच लेना कि मैं जानकी से अति सुंदर हूं। तो आए चंद्र लेकिन सपनों में भी आकर और क्षमता कभी न करना, लेकिन सपनों में भी आकर और क्षमता कभी न करना। क्यों क्षमता ना कर पाएगा, क्षमता ना कर भैया के द्वारा
चंद्रमा को कलंकी कहा गया, अवगुणी कहा गया। भाई हम में से किसी का भी एहसास नहीं है कि चंद्रमा को कलंकी कहे, जिसका कारण यह है भगवान शंकर से किसी ने पूछा कि चंद्रमा टेढ़ा है, कलंकी है और अवगुणी भी है, फिर भी आप इसे अपने सर पे बिठाए हो। भाई किसी भक्त ने पूछा भगवान शंकर से कि जब ये चंद्रमा कलंकी है अवगुणी है फिर भी आप सर पे बिठाए हो, तो भगवान शंकर के द्वारा कहा गया कि प्रभु श्री राम जिसे अपने साथ जोड़ ले फिर उसे कोई भी कलंकी कहने वाला नहीं है। तो सभी कहते हैं श्री राम चंद्र, तो भैया के नाम के साथ जो जुड़ गया या भैया के साथ जो जुड़ गया उसे कोई भी कलंकी कहने वाला नहीं है, चाहे वो कितना भी कलंकी। तो हमारा साहस तो है नहीं, भैया के द्वारा जो कुछ भी कहा गया बस हम तो यही कहेंगे, हमारे लिए हमारी दृष्टि में यदि सिया चंद्र से बढ़कर है तो आप सूर्य से बढ़कर हो, हमारी दृष्टि में यदि सिया चंद्र से बढ़कर है तो आप सूर्य से बढ़कर हो, बस भैया यही कहना।